बदरवास पुलिस प्रशासन ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। दिनांक 27 मई 2023 को रात्रि करीबन 12:10 पर मुखबरी के द्वारा बदरवास थाना प्रभारी सुनील खेमरिया जी को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दीगोद के पास कंचनपुरा सहरिया मोहल्ले में एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शादी की जा रही है एवं लड़का बालिग है और बारात हस्तिनापुर ग्राम से कंचनपुरा पहुँच चुकी है। शादी की तैयारियाँ चल रही थी, सूचना पर पहुंचकर शादी को रुकवाया गया। नाबालिग लड़की के पिता कप्तान आदिवासी ने 14,000 रुपये लेकर एक बालिग लड़के कल्ला पुत्र कोमल आदिवासी उम्र 22 साल निवासी हस्तिनापुर के साथ शादी संपन्न कराई जा रही थी। दोनों पक्षों का थाने पर लाकर महिला बाल विकास अधिकारी शिवपुरी को सूचित किया गया। उनके द्वारा महिला बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक अंगूरी देवी को थाना बदरवास भेजा गया। मेरे द्वारा दोनों पक्षों को समझाए देकर पंचनामा तैयार किया गया और पैसे वापस कराकर उनसे लिखित शपथ पत्र प्राप्त कर दोनों पक्षों को अपने अपने घर रवाना किया गया और बाल विवाह रुकवाया गया क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। बदरवास से संवाददाता रामजी बाबा की रिपोर्ट। सर, जो दीवोत का जो नाबालिग बालिका की शादी का जो क्या पूरा क्या मामला है? कल रात में करीब 12 बजे के बाद हमारे को सूचना मिली थी। मुख्य द्वारा ये बताया कि रात में ये दीगोद के पास एक कंचनपुरा सहरियों का मोहल्ला है, वहाँ पर शादी हो रही है और लड़की नाबालिग है, वहाँ की रहने वाली, और हसनापुर गांव है एक हमारे थाना क्षेत्र में। हसनापुर से बारात आई है, करीब 30-35 लोग उसमें ट्रॉली भर के आए और शादी की तैयारी चल रही है। उस सूचना पर हम तत्काल मौके पर पहुँचे। लड़की की माँ नहीं थी, लड़की के पिता ने उससे शायद 14-15 हज़ार रुपये लेके लड़के पक्ष से और नाबालिग 11 साल की लड़की की शादी कर रहा था। हम लड़की को लेके आ गए और पिता उस टाइम भाग गया था, पिता नहीं मिला था। उसके भाई को लड़की को ले आए थे और दूल्हे को ले आए थे। दूल्हे की माँ नहीं है, दूल्हे के पिता भी नहीं है, उसका चाचा है, वो शादी कर रहा था, उसने पैसे दिए थे। दोनों पक्षों को ले आए थे। उसके बाद फिर बाल विकास जो अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, उनको सूचित किया। उनके यहाँ पे एजेंट आए थे, उन लोगों की लिखा पढ़ी करी, शपथ पत्र बनवाए हैं और अपने अपने घरों को भेज दिया। समझा के कार्रवाई नहीं हुई किसी पर, चूँकि शादी हो नहीं पाई थी। कार्रवाई तो जब की जाती, जब शादी अगर हो चुकी होती तो केस रजिस्टर्ड करते, लेकिन शादी हुई नहीं थी, इसलिए पंचनामा वगैरह बनवा के वो महिला बाल विकास अधिकारी के जो आए थे अधिकारी, उनने पंचनामा बनवाया और शपथ पत्र बनवाया उनके, वो अपने अपने घर पर अलग अलग भेज दिए। उनसे लिखवा लिया कि इस प्रकार से आप शादी नहीं करेंगे जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाती, पैसे भी वापस करवा दिए।